जाम के अंदर था, अब जाम खुला है और अभी आप देख लो कि पहला गियर ही लगा हुआ, अब दूसरा लगा है 25 के, अब बिना जाम के आ गई है 27 पे इसकी एवरेज 28। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज जो लास्ट व्लॉग था वो था मेरा मीटअप एल्विश यादव का, मैंने डाला था, वहाँ पे गया था भाई साहब, बहुत ही ज्यादा क्राउड आया हुआ था और थैंक यू, उस पर काफी सारे व्यूज आए और इस चीज से मेरे को मतलब बहुत खुशी हुई और थैंक यू, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना आप लोग। सो और उस दिन वहाँ पे उनके मीटअप पे हमारे हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी भी आए हुए थे। सो बहुत ही मजा आया, बहुत फन था, बहुत मतलब एल्विश भाई ने मतलब क्या मतलब सिस्टम पूरा हैंग कर दिया था। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को पहले मैं बता दूँ, अभी जैसे मैं गुड़गांव में हूँ तो आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक गाड़ी लिया है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले मैं चला रहा था इनोवा क्रिस्टा जो कि भाई साहब जाम में मैं चला नहीं पाता था वो, और मैंने यहाँ पे एक गाड़ी लिया है स्विफ्ट जो कि सेकेंड हैंड है और ऑटोमेटिक लिया है मैंने। तो इसका मैं थोड़ा सा आज रिव्यू करना चाहता हूँ कि ये मेरे को 1 वीक हो गया इसको लिए हुए, तो मैं गाड़ी की क्या एवरेज है, मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने यूट्यूब पे इतनी रिसर्च करी थी इस गाड़ी के बारे में कि ड्रैग रेस में तो भाई साहब स्विफ्ट को कोई हरा ही नहीं सकता। ये तो अब बारी आ गई है कि मैं आपको पहले गाड़ी चेकआउट करा दूं, ठीक है, उसके बाद आप मुझे उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भैया इस गाड़ी में मेरे को क्या क्या कराना चाहिए। तो होप आपको बाहर से आपने गाड़ी देख लिया, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अब मेरे को ये बताओ, एक बारी मैं पहले आपको अंदर से भी अच्छे से दिखा दूं, ये गाड़ी का है इंटीरियर कुछ इस टाइप का और अभी इसको चलाएंगे हम, इसकी एवरेज नोट करेंगे। अभी मैंने काफी देर से देखो जैसे गाड़ी चला के छोड़ी हुई है, सिर्फ 1000 रुपए का, जब से अभी हफ्ते पहले मैंने लिया 1000 रुपए का तेल डलवाया था इसमें डीजल, क्योंकि मेरा ये डीजल वेरिएंट है और डीजल वेरिएंट में तो इसकी आपको पता ही एवरेज कितनी है। और ये कितनी चली है मैं आपको बताता हूँ, अभी भी दिखा रही है, अभी भी 2 डंडे हैं इस, 186 किलोमीटर मैंने 1000 रुपए का तेल डलवाया, अभी भी 2 डंडे बाकी है और 186 किलोमीटर चले हैं। हाँ बट ये है कि मैंने ना थोड़ा सा इसको ज्यादा भगाया नहीं है, एक दो बार भगाया होगा और इसकी जो स्पीड है ना मेंटेन करके चली थी, और जो पहले मेरे पास इनोवा थी उसमें तो पूछो ही मत, इतने में ही 4000 से ऊपर का वो डीजल खा जाती थी। तो ऐसा अब इसकी आपको एवरेज चेक कराता हूँ, एक बार ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ कि एक तो इस गाड़ी का रिव्यू कर लेंगे हम और एवरेज कितनी देती है मेरे को विदेशी बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारा कुछ विदेशी चलिए, ये बताना मैं भूल गया था। उसके बाद चलते हैं आपको एवरेज चेक कराता हूँ इसकी, ये आ गई एवरेज, इसको करते हैं हम 0। जय श्री राम। चुनु तो अभी घर की गली के बाहर से आया, दूसरा गियर लगा है और इसमें आपका ये देखो 12 की एवरेज दिखाने लग गया है और ये वीडिया ही मॉडल है इसका, और अभी आपको पूरी एवरेज चेक कराऊंगा। ये देखो 16 गियर ये आ रही है 17.2 विदेशी, और अभी भी देख लो आप, मैंने 1000 का तेल डलवाया था, 17.2 की एवरेज आ रही है इसमें भाई साहब, है ना कमाल की चीज। पापा तो कह रहे थे कि पेट्रोल वाली ले ले, पर मेरे को पेट्रोल वाली चाहिए ही नहीं थी भाई किसी भी कीमत पे, मेरे को पता था पेट्रोल तो पड़ी पड़ी में उड़ जाता है, तो डीजल लेके अब मेरे को लग रहा है कि मैंने अच्छा किया। ये आ गया 18.5, देखिए मैं आपको बताऊंगा इसकी, एक फोन आ रहा है, 22 की आ गई और स्पीड आप देख सकते हो 50 की है ही अभी स्पीड मेरी, अभी 60 की स्पीड पे आ गया है 22.2। अब यहाँ पे आगे ब्रेक लगेगी, ये बिना ब्रेक के था जो भी था, अब यहाँ पे मैं रुकूंगा इसको। अब मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 5 मिनट से जाम के अंदर था, अब जाम खुला है और अब भी आप देख लो कि पहला गियर ही लगा हुआ, अब दूसरा लगा है, 25 की एवरेज अभी भी ये दे रही थी, तो भाई साहब सही में ये तो भाई माइलेज मशीन है बिल्कुल, अब जाके ये। सो गाइस देख रहे हो स्विफ्ट की कमाल की एवरेज, अभी तक मैं लोकल में बैठा हूँ और ये देखो आप, मैंने सेकंड गियर पे ही है, 24 की एवरेज दे रही है बड़े आराम से। तो भाई जिसको भी मतलब कोई बड़े शहर में रहता हो और उसको छोटी गाड़ी ही मतलब सूट करती है वैसे तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 साल से लगातार इनोवा रखी थी क्रिस्टा, उसकी जो मेरे को एवरेज मिलती थी ना वो आप लगा लो लोकल में 7 या 8 या 6, इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी। हाँ हाईवे की बात अलग होती है, हाईवे पर हर गाड़ी एवरेज निकाल ही देती है, बट हमें चाहिए होती है लोकल रन हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, रेड लाइट्स बहुत होती हैं, तो उस हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट है। आपका जितना मर्जी ट्रैफिक आएगा ये गाड़ी आपको 18 से ऊपर ऊपर की एवरेज देगी विद
एसी, एसी आप देख सकते हो, एसी मेरा चल ही रहा है कंटिन्यूअसली जब से घर से मैं निकला हूँ, ठीक है। और ये देख लो पहला गियर लगा हुआ है D1, अब दूसरा लग गया था, और 23 के एवरेज ये निकाल रही है, बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको बता दूं काम खुल गया था, मैंने कहा एक बार फिर आपको बता दूं मैं कि क्या रिपोर्ट है। अब जैसे मैं इसको भगा रहा हूँ भाई साहब, पिकअप में तो ये एक नंबर है। ये देखो इसकी पिकअप देखो एक बारी, रोलिंग में अगर इस पे स्पीड दो तो ये देखो 100 सीधा, और एवरेज देख लो, एवरेज सामने ही आपके। और ये देखो आप बिना जाम के आ गई है 27 पे इसकी एवरेज, 28 एसी ऑन। सो क्या बोलती पब्लिक, सो इज इट वर्थी नाउ, ये गाड़ी लेके ठीक किया नहीं किया भाई कमेंट में बताना। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी ने जो लास्ट मुझे एवरेज दिया है, अभी मैंने रोक दिया है पार्किंग में जहां पे मेरे को काम था, मैं वहां आया था, तो मैंने ये लास्ट एवरेज मुझे दी है 26.4 की, ठीक है। तो ये एवरेज है गाड़ी की। सो गाइस अब मुझे बताओ कि आप लोगों को ओवरऑल रिव्यू कैसा लगा इस गाड़ी स्विफ्ट का, ठीक है, डीजल है ये। एंड मुझे एक चीज़ और बताना कि इस गाड़ी में मुझे क्या रिक्वायर्ड है। जैसे अब आजकल होता है ना कि भाई अब यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं तो गाड़ी ली है तो उस पर रैपिंग वगैरह भी कराते हैं लोग, तो मुझे बताना कि इस पे स्विफ्ट पे कौन सी रैपिंग सूट करेगी, और रैपिंग कौन से कलर की, मतलब आप लोग मुझे बताना, और कहाँ पे बेस्ट होगी, बढ़िया होगी, थोड़े से कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर इसकी जैसे छत भी लोग काली कराते हैं, वो काली सी रैपिंग चढ़ाते हैं, लेमिनेशन सी कराते हैं, वो भी बताना कि कहाँ से होगा। तो अगर किसी को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और रैपिंग का तो खासकर। और इसमें मैं बता दूँ आपको कि अलॉयज मेरे लगे हुए हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो ये यहाँ पे लगवा लेंगे टच स्क्रीन पर। टच स्क्रीन मेरे को इतना ना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मेन तो होता है अभी ब्लूटूथ से गाने लगा लिए और लोकेशन देख ली, लोकेशन मैं फ़ोन से देख लेता हूँ, गाने लगी जाएंगे, तो बताना ज़रूर। और एवरेज मैंने आपको रिवील कर दिया कि क्या एवरेज गाड़ी ने दी। सो थैंक यू, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया, सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्दी, और मैं बता दूं कि परसों मैं जा रहा हूं पानीपत, सो मेरा कोई वहां पे एक फैमिली रिलेशन में फंक्शन है तो वो अटेंड करना है मेरे को वो भी, और फिर उसका ब्लॉग अलग से बनाएंगे, और आप मुझे बताना और रिव्यू देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।